जिला परिषद से सदस्य या जो कोई भी यहाँ मौजूद है, उन सबका मैं हार्दिक जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये मैं समझ रहा था कि हमारा कुछ और समय है, कल 28 तक रहेगा क्योंकि 29-30 को होगा, लेकिन शायद आज ही हमारा समय खत्म हो रहा है। इस वजह से हम जितने ज्यादा ज्यादा आपसे रूबरू हो सके, मिल सके, ये कोशिश है हमारी। इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दो शब्द बोलना ही चाहता हूं। ये खास तौर से मैं संविधान के बारे में थोड़ी सी बात बता दूंगा। ये जो अपनों को जो हक अधिकार मिले हैं आदिवासियों को, हमारे को जो, वो 1874 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों से लड़ झगड़ के हमने हासिल किया है। ये आजादी में हासिल नहीं हुआ है हमको। ये 1947 को जो आजाद हुए, उसके पहले 75 साल पहले 1874 में हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से, मरे भी होंगे मारे भी होंगे सब होने के बाद में, हमने जो हक अधिकार, ये जो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जो हासिल की है, वो हमने 1874 में हासिल की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, उसमें है क्या, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं? क्या फैसला आया है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस देश का मालिक आदिवासी है, मूल मालिक है, मूल वारिश है, मालिक है, ये साबित किया। तो बिना सबूतों से मालिक कोर्ट साबित नहीं करती, इसका मतलब साबित कोर्ट ने जो किया है वो हमको इस देश का मालिक बनाया है। मालिक बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका इस देश के अंदर जो राज चल रहा है वो हमारी व्यवस्था के अनुसार चलेगा। इस देश के अंदर जितना जमीन है वो हमारी है, इस देश की धन दौलत है वो हमारा है, इस देश का जंगल और जल और जंगल है वो हमारा है। भाइयों, इस बात को समझने की जरूरत है, 11 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आज तक कांग्रेस या बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने या अशोक गहलोत ने, कोई भी सोनिया गांधी हो, कभी बोला कि आदिवासी इस देश का मालिक है? ये कोर्ट ने साबित किया है, कोर्ट ने फैसला किया है। क्यों नहीं बोला आज तक हमारे एमएलए ने? क्यों नहीं बोला आज तक हमारे एमपीओ ने? नहीं बोला वो तो नहीं बोला आज तक, लेकिन आप देख लीजिए दूसरी तरफ, इस पूरे देश के अंदर आदिवासियों को नक्सली कर करके गोलियों से मार रहे कि नहीं मार रहे? क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं गोलियों से, और उसमें नरेंद्र मोदी मारता है, सोनिया गांधी नहीं बोलती है कि आदिवासियों को नक्सली क्यों बोल रहे हो? वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो हमने वोट देके एमएलए बनाया, वोट देके हमने एमपी बनाया, हमने सरकारें बनाई, कांग्रेस की बनाई, बीजेपी की बनाई, सरकार बनाई, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं इस देश का मालिक है वो, नक्सलवादी नहीं है। हम वोट देकर सरकार बनाया, लेकिन फिर भी हमको नक्सलवादी बोल रहे हैं। तो भाइयों, कौन बोल रहा है? जिसने हमको वोट दिया, जिसको हमने राज सौंपा, वो इस मालिकों को कौन क्या बोल रहा है? नक्सलवादी है, और ये मारना चाहते हैं। और ये क्यों मारना चाहते हैं? वो इसलिए मारना चाहते हैं कि वो मालिक बनना चाहते हैं इस देश का। कौन? नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात को समझ लेना, ये इसलिए कर रहे हैं कि मालिक बनना है, और नरेंद्र मोदी सोच रहा है कि इससे ऐसे मालिक नहीं बन सकते, मार के तो मालिक नहीं बन सकते, उनको मार दिया जाएगा तो देश कैसे चलेगा, वो जिंदा कैसे रहेंगे, ये भी डर है अंदर। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लड़ाई है वो देश की मालिक बनने की है, आदिवासियों को नक्सली बता करके ये मारना चाहता है।
विरोधी और ऐसे नहीं मार सकता तो वो संविधान को बदलना चाहता है। बदलना चाहता है नहीं चाहते सब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि संविधान बदलना है संविधान। अरे क्या है उसमें अच्छा नहीं है? पहले तो तुमने संविधान को लागू ही नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो लागू ही नहीं किया और तुम बदलने की बात कर रहे हो। वो बदलने की बात इसलिए कर रहे कि इसमें देश का मालिक है, उसको बताया गया है तो ये संविधान बदलने देना है नहीं, संविधान बदलने नहीं देना है तो फिर नक्सलवादी कर करके हमको खत्म कर रहे हैं वो क्या करना है? वोट ही नहीं देना है उन कांग्रेस और बीजेपी को। वोट दोगे तो नक्सलवादी करके आदिवासियों खत्म करके आपको मालिक से हटाना चाहते हैं। किसको खत्म करना है? अरे मालिक को अब तो बोलो किसको खत्म करना है? कांग्रेस बीजेपी को खत्म करना है जो हमको खत्म करना चाहते हैं। तो भाइयों मैं ये इस बात इसमें कह रहा हूं कि हमको ये समझने की जरूरत है कि आदिवासी आज तक हमारे जो हक अधिकार थे, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ लिया था उस बारे में हम अब तक समझ नहीं पाए, हमने सोचा नहीं। लेकिन अब हमारा पूरा देश का ये बात नहीं है, ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में हमारे सावरचंद जी को अब भारी बहुमत से जिताने वाले हो ये भी हमको पता लग गया। लेकिन जिताने वाला निश्चित हो, लेकिन ये संदेश जाएगा पूरे देश में कि दरियावत के आदिवासियों ने, दरियावत के जो मालिक है वो अब जाग गया है और विधानसभा में एक तरफा इन कांग्रेस और बीजेपी को झूठ चटा करके विधानसभा में सावरचंद जी को भेजा है, ऐसा संदेश देना ही नहीं देना। ये भी संदेश दे दिया और जीता के भेज दिए तो अभी विधानसभा में सबसे युवा एमएलए हमारे राजकुमार जी रोहत साहब, सबसे युवा। और यदि आपने सावरचंद जी को आप भेज रहे हैं तो वो युवा जो एमएलए है वो बदल जाने वाले हैं, लेकिन हमारा ही आदमी बनने वाला, सबसे युवा सावरचंद जी बनने वाले हैं। इसलिए साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं समता जजमेंट जो 1997 में आया, उस 97 में आया उसमें साफ 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 ये बात लिखी हुई है कि देश के अंदर ना तो एक इंच जमीन केंद्र सरकार की है और न ही एक इंच जमीन राज्य सरकार की है और न ही एक इंच जमीन किसी संस्था की या गैर आदिवासियों की है। तो ये देश की जमीन किसकी है? मालिकों की है, आदिवासियों की। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ही जमीन जब बड़े बामन राजपूतों के पास नहीं है, एक ही जमीन नहीं बता रहा है, जब एक ही जमीन नहीं है तो उनके मकान कहां बने हुए, किसके अंदर बने हुए हैं? नहीं कह रहे, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे। अरे हम कह रहे हैं कि ये जो जमीन, जब एक ही जमीन नहीं है तो ये हमारे पूर्वजों के हमारे खाते में बने हुए हैं। तो हमारे खाते में तो क्या करना है? कुछ करना है कि नहीं करना? करना है। अरे तुमको ही मार रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अब मत मारो, अब हम जाके हैं, तुम जाओ भाई। तो सवाल यही है कि अब हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जो हमारी लूटपाट कर रहा है, जो हमको खत्म करने काम कर रहा है, उसके साथ रहना है कि क्या करना है? मैं आपको कहना चाहता हूं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कोर्ट का फैसला आया है सरकार लागू करेगी तो कौन का हटाएगा? कौन उनको कौन हटाएगा? सरकार हटाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। कोई हमको यदि वो जानबूझ के करते हैं नहीं, ऐसा फैसला ले लेते हैं कि अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण कौन हटाता है? सरकार हटाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको लागू करो। ये 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, उसको लागू करो और हमारी आरक्षण जो व्यवस्था है उसको लागू करो तुम, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया। इसलिए साथियों
मैं आपसे निवेदन सागवाड़ा से है आपके बीच में, आपने जो सिलेक्शन किया, किसका सिलेक्शन किया, हमारे थावरचंद जी का जो सिलेक्शन किया है वो किसने किया? पब्लिक ने किया, आपने किया, उनको वोट दिया, टिकट दी है, वो आपने दी है, इसलिए वो आपकी गुलामी करेंगे। आज तक इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने जो आपने वो टिकट वो देते थे और आपने चयन करके भेजा, तो वो गुलामी उनकी कर रहे थे, इसलिए हमारे पक्ष में हमारी वकालत कभी नहीं करी। तो अभी भी ऐसे लोग जो कांग्रेस और बीजेपी में हमारे जो फंसे हुए हैं उनको निकालना कि नहीं निकालना है? कौन निकालेगा, कौन निकालेगा वो? अरे आप निकालोगे, हम निकालेंगे, निकालना ही नहीं निकालना है। यदि वो जब तक पड़े रहेंगे तो हमको नुकसान करते रहेंगे। इसलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो समय है उस समय के अंदर ये मौका है, हरियाणा का मौका मिला हमको, नहीं तो हम भी चुनाव यदि एक साथ होते तो आपके बीच में दर्शन करने नहीं आते हम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे जो थावरचंद जी है, इनका गीडिया और डोट का जो निशान है उस पे भारी मतों से जीता करके आपको उनको विधानसभा में, हम दो साथी पहले से हैं, विधान जो समाज ने जो चयन किया उस सिलेक्शन प्रणाली के तहत हम विधानसभा में दो पहले से हैं, इसलिए आपने चयन किया तो हमको रहा नहीं गया, हम आपके बीच में आए हैं। तो भाइयों, इसको निश्चित रूप से हम भारी मतों से जिताएंगे। मैं यही अपील करके आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ में आप नारे बोल दीजिए और मैं घटेट में इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए मैं निकल जाता हूँ। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये आवाज तो जयपुर और दिल्ली तक जानी चाहिए। जा सकती है, नहीं जा सकती? जा सकती है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, थावरचंद जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, थावरचंद जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, थावरचंद जीतेगा। निशान के बारे में थोड़ा सा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, डोट के लिया जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, डोट के लिया जीतेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको, और मैं आगे बढ़ना है इसलिए अपनी बात यही खत्म करके, धन्यवाद।